साथियों, स्क्रीन पर आपको जो चक्र चलता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है और बीच में जय हिंद लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको बनाना है तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्ट विंडो पर और सर्च कर लेते हैं POW। इतने में ही आपको मिल जाएगा पावर पॉइंट। हमने क्लिक किया, यह पावर पॉइंट की स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है। अब बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड आई है यह मैंने चाहिए, मैं इसे हटाना चाह रहा हूं, तो मैंने होम टैब में डिलीट ऑप्शन पर क्लिक किया और नई स्लाइड के लिए न्यू स्लाइड पर जाकर हमने ब्लैंक पर क्लिक कर दिया, तो एक ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, अब इंसर्ट टैब में हमें मिलता है शेप्स, तो यहां पर हमें लेना है 32 पॉइंट शेप और शेप के साथ हमें ड्रॉ कर लेना है। तो शेप के साथ ड्रॉ करने पर ये देखिए बिल्कुल गोल शेप ड्रॉ हो रही है। अब फॉर्मेट टैब में इस शेप की जितनी भी फॉर्मेटिंग हम करना चाह रहे हैं जाकर कर सकते हैं। तो इसका कलर हम ले लेना चाहते हैं रेड, ठीक है। और अब मैं इसे घुमाना चाह रहा हूं, तो इसके लिए हमारे पास तरीका है एनिमेशन टैब में कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन में हमें मिलेगा एड इफेक्ट, तो एड इफेक्ट में कई सारे अलग अलग इफेक्ट आपको मिलते हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पथ। तो हमें फिलहाल चाहिए एम्फेसिस में स्पिन। स्पिन पर क्लिक किया तो देखिए ये घूमने लग गया है, स्पिन का मतलब घूम रहा है, ठीक है। और इसकी स्पीड में थोड़ी सी कम करना चाहूंगा, मीडियम के स्थान पर हम ले लेते हैं स्लो, लेकिन स्लो भी सही नहीं लग रहा है तो मैंने वेरी स्लो किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ एक राउंड लगाकर रुक ना जाए, ये घूमता रहे, तो इसके लिए हम चलते हैं इस इफेक्ट की, इस एनिमेशन की सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के लिए यहां पर आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जाना है टाइमिंग। तो टाइमिंग का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और इसमें मैं रिपीट में अनटिल नेक्स्ट क्लिक भी कर सकता हूं और या मैं ले लेता हूं 10। तो मतलब ये कि ये जो शेप है 10 बार घूमेगी, मतलब 10 राउंड लगाएगी, और हमने कर दिया ओके, ठीक है। तो ये 10 राउंड तक घूमती रहेगी। अब एक शेप में और चाह रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इससे थोड़ी सी छोटी, जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमे। तो इस शेप पर हमने क्लिक किया और कीबोर्ड से किया Ctrl+D, यानी कि डुप्लीकेट, ठीक है, ये डुप्लीकेट होकर आ गया है। अब इसका साइज मैं छोटा करना चाह रहा हूं, तो साइज के लिए फॉर्मेट टैब में चलते हैं। अभी इसका साइज है 5.75, विड्थ और हाइट दोनों, तो मैं इसे कर लेना चाहता हूं 4 और इंटर। ऐसे ही उसकी विड्थ को भी कर दीजिए 4, इंटर, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमने कलर ले लिया। अब इसे बिल्कुल बीचों बीच आपको अरेंज करना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दो शेप हो चुकी है, एक बड़ी है और एक उससे छोटी। अब इसे प्ले करके देखते हैं, तो प्ले करने पर एक शेप घूम रही है लेकिन दूसरी नहीं। मैं चाहता हूं कि एक घूम रही है उसके साथ में दूसरी भी घूमना चाहिए, तो दूसरी शेप को हमने सिलेक्ट किया और इसे हमने किया स्टार्ट ऑप्शन में जाकर विथ प्रीवियस। तो विथ प्रीवियस करने पर पिछली जो शेप है उसके साथ में ही ये शेप भी घूमेगी, तो देखिए अब दोनों शेप एक साथ घूम रही है लेकिन एक राइट साइड में जा रही है, तो मैं चाहता हूं एक सेकेंड वाली जो है वो लेफ्ट साइड में रोटेट करे, घूमे। तो हमने सेकेंड शेप को सिलेक्ट किया और इसे कर लिया है 360 क्लॉकवाइज की जगह 360 काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग गई है। अब प्ले करके देख लीजिए, तो एक राइट में घूम रही है और एक लेफ्ट में, ठीक है। अब एक शेप और मैं चाहता हूं इससे छोटी, तो Ctrl+D किया, एक शेप और आ गई है। इसका कलर हम कुछ और लेना चाहेंगे, जैसे कि मैंने ये कोई कलर ले लिया, और इसका साइज भी हम चेंज करेंगे। तो फॉर्मेट टैब में ही ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो फॉर्मेट में चलते हैं। अब हम ले लेते हैं यहां पर 3 और इंटर, इसकी विड्थ को भी 3 और इंटर करके आपने सेट किया, ठीक है, ये हो गया। इसे भी बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, 4 एरो की का अगर यूज करेंगे तो और आसान हो जाएगा इसे सही जगह पर अरेंज करना, ये हो गया, ठीक है। अप्लाई करके देखिए, तो फर्स्ट राइट में घूम रही है, सेकंड और थर्ड लेफ्ट में, तो थर्ड जो शेप है इससे भी राइट में घूमना चाहिए। तो हम फिर से चलते हैं थर्ड शेप को सिलेक्ट करके
और अब हम ले लेते हैं, सॉरी अब हम ले लेते हैं अमाउंट में फिर से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन, घड़ी के कांटे की डायरेक्शन में, और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के कांटे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें क्लॉकवाइज ले लेना है। अब प्ले करके देख लीजिए। तो देखिए, एक राइट में, दूसरा लेफ्ट में, और तीसरा फिर से राइट में घूम रहा है। हमने पहली शेप पर जितनी भी सेटिंग की थी वो सारी सेटिंग कंट्रोल डी करने की वजह से दूसरी शेप पर भी आ गई, मतलब कि दूसरी शेप जो डुप्लीकेट बनकर आई है तो पहली शेप की सारी सेटिंग को साथ में लेकर आई है। ठीक है, अब बीच में नाम प्रकट होता हुआ दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और हमें लेना है वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट आपको जो भी सही लगे जिस या जो भी पसंद हो वो आपने सेलेक्ट किया, और टाइप करते हैं, एक हिंदी कर लेते हैं और टाइप करते हैं जय हिंद। इसे सही जगह पर आपको अरेंज करना है, और साइज इसका थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तो कंट्रोल प्लस ए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस ए, और होम टैब में आपको फॉन्ट का साइज छोटा करने के लिए श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसे सही जगह पर आपको अरेंज करना है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कंट्रोल प्लस जेड, मुझे टेक्स्ट बॉक्स को सही जगह पर लेना है। अब प्ले करके देख लेते हैं। तो प्ले करने पर देखिए, जय हिंद जो लिखा हुआ है वो वहीं पर चिपका हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये प्रकट होता हुआ सा दिखे, अपियर होता हुआ दिखे। तो जय हिंद के वर्ड आर्ट को आपने सिलेक्ट किया, एड इफेक्ट, और इसमें एंट्रेंस में मोर इफेक्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर कहीं जूम, तो फेडेड जूम, ठीक है ये सही है, और ओके। अब स्पीड इसकी थोड़ी सी ज्यादा है इसलिए स्पीड को हम करते हैं स्लो। अब प्ले करके देख लीजिए। अब प्ले करने पर भी देखिए, जय हिंद जो लिखा हुआ है वो प्रकट होता हुआ दिख नहीं रहा है, मतलब वो कब आएगा, जब ये तीनों सर्कल घूमकर रुक जाएंगे उसके बाद में वो आएगा। तो उसे भी हम सिलेक्ट करेंगे जय हिंद को, और इसके लिए भी हमें जाना है स्टार्ट में विथ प्रीवियस, मतलब पिछले शेप के साथ में ये भी घूमे। अब कर लेते हैं प्ले। तो देखिए, प्ले करते ही उन सभी के साथ में जय हिंद भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इससे इसके बैकग्राउंड को भी अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, और इसके लिए बैकग्राउंड पर यानी कि स्लाइड पर कहीं पर भी राइट क्लिक करिए तो मिलेगा आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में सॉलिड कलर में, सॉलिड फील में कई सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे, तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, या ग्रेडियंट फील में भी कई सारे आपको पहले से बने बनाए कलर्स के सेट मिल जाएंगे, तो इनमें से अगर कोई आपको पसंद आ रहा हो तो वो आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसकी और भी कई प्रकार की सेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इन सभी को यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर अगर सिलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में कोई टेक्सचर या कोई फाइल यानी कि कोई फोटो या फिर क्लिप आर्ट भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल चलते हैं सॉलिड फील में, और हम कलर ले लेते हैं ब्लैक और क्लोज, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं, यानी कि स्लाइड शो करके देख लेते हैं। तो स्लाइड शो करने के लिए या तो कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर दीजिए या फिर स्लाइड शो टैब में जाएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग। अब ये प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसे ऑटोमेटिक नहीं किया, एंटर करेंगे या फिर क्लिक करेंगे तब जाकर ये प्ले होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं एनिमेशन टैब में और ऑटोमेटिकली आफ्टर का यूज कर लेते हैं। अब इसे अगर प्ले करते हैं स्लाइड शो टैब और फ्रॉम बिगिनिंग, तो देखिए अब ये अपने आप प्ले हो रहा है। अब इसे सेव करने के लिए हम कीबोर्ड से करते हैं कंट्रोल प्लस एस फॉर सेव। सेव एस का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है। अब इस फाइल का नाम आप टाइप करिए, जैसे मैंने इसका नाम टाइप कर दिया है जय हिंद। और सेव एस टाइप में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि नॉर्मल फॉर्मेट की बजाय ले लेना है पावर पॉइंट शो पर। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ओपन से ओपन ऑप्शन आएगा और पावर पॉइंट में ये फाइल आकर खुलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फाइल किसी वीडियो की तरह डायरेक्ट प्ले हो जाए, मतलब स्लाइड शो हो जाए, यानी कि जब हम फाइल पर राइट क्लिक करेंगे तो प्ले की बजाय इस पर ओपन की बजाय इस पर शो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो हमने फॉर्मेट सिलेक्ट किया इसका पावर पॉइंट शो, ठीक है। तो ये फाइल का नाम हो गया और सेव एज टाइप में हमने ले लिया है पावर पॉइंट शो। अब इसे हम डेस्कटॉप पर रखना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपको डेस्कटॉप अगर दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज लोकल डिस्क सी में आपको मिलता है यूजर अकाउंट, ठीक है। और आपका यूजर अकाउंट कौन सा चल रहा है, जैसे कि मेरा यूजर अकाउंट है रॉयल, तो उसको ओपन किया और ये रहा डेस्कटॉप, ठीक है। तो हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अब सेव,
ठीक है, ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब इस पावर पॉइंट की फाइल को हम कर देते हैं क्लोज। तो देखिए डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल यहां पर दिखाई दे रही है। अब इस फाइल पर हम राइट क्लिक करते हैं और देखिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है शो। तो शो पर क्लिक करते ही आपकी फाइल किसी वीडियो की तरह डायरेक्ट प्ले हो जाएगी, मतलब स्लाइड शो डायरेक्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, एस्केप का यूज करके हम इसे रोक सकते हैं। अगर इस फाइल को और एडिट करना हो, इसमें कोई करेक्शन करना हो, तो राइट क्लिक करने पर आपको मिलेगा न्यू। तो न्यू पर क्लिक करते ही फाइल आपकी पावर पॉइंट में फिर से आकर खुल जाएगी और फिर से हम इसे एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी इस तरह के कुछ एडवांस वीडियोस आपको मिलते रहें। और साथ ही बेल आइकन को एक्टिव जरूर कर लें, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको मैसेज आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।